लिए आए हुए हम, ऐसा नहीं हम फ्री आदमी है या हम इधर उधर का लांटेगिरी करने वाला आदमी है। हाँ हम आए हैं आपके लिए, आपके लिए टाइम निकाले, हमारा भी गाड़ी घोड़ा, हमारा भी बिजनेस है। आज कोई हमको 500 रुपया देगा क्या हमको यहाँ आने के लिए तेल जलाए तो? हम ये नहीं कहते हमको यहाँ विधायक बनना है, हम बस जयराम दादा का जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है, वही आपके बीच में हम लाने का काम कर रहे हैं, एक माध्यम बन रहे हैं। जैसे जयराम दा बोलते हैं कि एक माला में सबको पिरो देंगे, तो कैसे होगा? 10 पास करके 12 पास करके कहां जाइएगा? हमारे गांव में ग्रेजुएशन के लोग हैं, आज मजदूरी कर रहे हैं एलएनटी कंपनी में जाकर बॉम्बे में। कोरोना जैसा आपातकाल स्थिति आएगा, तुम घर में मां मर जाएगा पर पहुंच नहीं पाएगा अपना मां को शमशान घाट में कंधा देने के लिए। ये स्थिति है, ऐसे ऐसे कोरोना काल में बहुत देखे होंगे, जिसका बाप मर गया, भाई मर गया, पर वो दिल्ली से नहीं आ पा रहा है, यूपी से नहीं आ पा रहा है, क्या वजह है? यही वजह है, कितना दिन चलेगा? और जो चीज में हम लोग नितरा रहे हैं, जो चीज में आज हमको शौक है, जो चीज में आज मौज कर रहे हैं, वो हमारा पूर्वों का रखा हुआ चीज है। मेरा बाप रख दिया, मेरा दादाजी रख दिया, उसके पाप रख दिया, तब आज हम उसमें कहते हैं कि हमको 2 एकड़ जमीन देंगे तब आज हमको नौकरी देता है। मुंह लीजिएगा 2 साल नौकरी करते करते सीसीएल में, 40 साल नौकरी कर लीजिएगा, 60 साल रिटायर कीजिएगा, 10-20 मिल जमीन नहीं रामगढ़ में ले पाइएगा, मेंटोन में बात है। हम लोग 2 एकड़ जमीन किस जगह का जमीन दे रहे हैं? हम लोग बंजर जमीन खरीदते हैं एक जगह का, कितना कोयला है रामगढ़ में, पर हम लोग जो जमीन दे रहे हैं 2 एकड़, उसमें कोयला है, सोना है, अभ्रक है, सब कुछ है, पर हम लोग सवाल नहीं करते हैं पीओ का, ना मैनेजर को, ना यहाँ के नेता को। आता है दादा जिंदाबाद नारा लगा चल जाता है, उसका एक दलाल बैठा रहता है गांव में, किस लिए, किस लालच में हम लोग भीड़ को जमा करते हैं? आज हम लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, पर लोगों को इतना पर्ची तुले सर पर्ची बांटा है, अति किया है, पर यहाँ आने के लिए आदमी तैयार नहीं। पर वही नेता आएगा, खाली व्यवस्था कर देना चाहिए दारू और मुर्गा का, पूरा गांव उठ के जाएगा, ओकरो मार काट हो जाएगा, कौन ककर का पार फोड़ देगा, कौन ककर थाली से मार दे रहा है, वजह यही है। ये कड़वा सच है दादा, इसको मानना होगा। अरे 365 दिन हम अपने घर में खसी मुर्गा खा सकते हैं, क्या एक दिन हम अपने घर में मुर्गा दारू नहीं पी सकते हैं? हमको पार्टियों का क्यों जरूरत है? ठीक है बोले हैं अभी दाऊचा, जिसको ड्राइवर भी बोलने नहीं आता उसको हम लोग 50,000 वोट दे रहे हैं, क्या विधानसभा में बात रख देगा? वो हमारे लिए लड़ देगा? कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है। बूढ़ा खाप में आंदोलन, महिला सबको साड़ी खींच दिया जा रहा है, देखे होंगे आप लोग, वीडियो वायरल हुआ होगा, इसका वजह कौन है? क्या बूढ़ा खाप हमारा विधानसभा नहीं है? क्या हमारे यहाँ इस विधानसभा में विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, मुखिया नहीं है, वार्ड पार्षद नहीं है, वार्ड नगर पार्षद नहीं है, सबको है। और वजह क्या कि वो आज वहां के लोगों को आज इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये समझे हम लोग, युवा पीढ़ी समझिए नहीं रहे। हम लोग को क्या चाहिए? रील बना लिए, फोटोग्राफी कर लीजिए, यही एक रहे हमारा दुनिया है। क्या होगा कल हमारा, जो 25 साल से 30 साल के बीच में हमारा शादी कर दिया जाए, कहां भटकिएगा, कहां भटकिएगा? ये सवाल बनता है, हम आप ही लोग से सवाल करते हैं, कहां जाइएगा? हम लोग बताइए, आज आरा कलवरी चल के खदान बंद है दादा, जब तक नहीं इतिहास को जानिएगा तब तक फ्यूचर आप बना नहीं सकते हैं। इतिहास को गढ़ना होगा, इतिहास में हमारे पूर्वज कितने यहां बलिदान दिए झारखंड को अलग करने के लिए, 80,000 लोगों ने बलिदान दिया है, तब आज झारखंड मिला है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, फ्री में दे दिया गया कि लो बेटा तुम जाओ अपना, तुम अलग हो रहा है, उसको एक भी आदमी बलिदान नहीं देना पड़ा। वही यूपी से उत्तराखंड कटा, एक भी आदमी बलिदान नहीं मांगा गया, पर जब बिहार से हम लोग को बारी आया मांगने का अपना हक अधिकार को, 80,000 लोग यहाँ सर कटा दिए, कहीं गढ़ा में कोई कूद गया, किसी को गोली लगा, इस तरह में हमारा झारखंड मिला। यही लालू यादव था बोलने वाला, यही था कि हमारा लास्ट से झारखंड मिलेगा, और उस चीजों को भूल रहे हैं। आज बताए ना, इतना सालों से हमारा आरा कांटा कलवरी चला, यहाँ महेश सिंह जैसा आदमी का अरबपतिया बन गया, पर यहाँ का आदमी कितना बना? एक भी सही ढंग से देखा जाए तो गांव का रोड तक सही नहीं बना है, आपको अरबपतिया बनने तो सोच छोड़ दीजिए। आज महेश सिंह हल्ला करेगा, पूरा कॉलोनी जमा हो जाएगा, बिहार यूपी कहां कहां का आदमी जमा हो जाएगा, वो लोग मतलब सीधा जानता है बहरैया मतलब बहरैया, और हम लोग मतलब झारखंडिया मतलब जायपा, यही नहीं हम निकल रहा,
ये नहीं हमने क्या है, ओकर अलावा कुछ है काम नहीं पास। कहता है आदिवासी मूलवासी सरकार है। अरे भैया बुंडू चल जाइए, तमाड़ चल जाइए, खूंटी चल जाइए, कितना आदिवासी विकास हुआ नहीं। एक घर नहीं मिलेगा, एक पैंट मिलेगा, शर्ट नहीं मिलेगा आदमी का। एक औरत ऐसा ऐसा देखिएगा औरत कि एक साड़ी पूरा नीचे सुपर लेपटी हुई है। क्या विकास है आदिवासी का? मूलवासी तो छोड़ दीजिए, आदिवासी विकास का बात है तो सिर्फ यहाँ पॉलिटिक्स है दादा। अपना भुक्त भोगी है, वो लोग मजे में है, अरबपति है, खरबपति है। आज दिल्ली में घर लिया, कल लंदन में जमीन लेगा, परसों बम्बे में फ्लैट लेगा, यही वो लोग का कहानी है। उसके अलावा कुछ नहीं है दादा। आज जयराम तक क्यों लाखों लोग आ रहे हैं? उसके पास आइडियोलॉजी है, शोषित हुए लोग हैं हम लोग। तो इसी तरह स्थिति रहा तो हम लोग कहीं ना कहीं आते जाते कहीं ना कहीं सुसाइड करते हुए मिलेंगे। क्या लगता है सुसाइड के कारण डिप्रेशन भी बनता है? अब अच्छे ढंग से आपके घर अच्छे ढंग से नहीं चलेंगे तब सोचते सोचते जाइए कोई गाड़ी में घुस जाइए। ये भी हमारा कहीं ना कहीं हमारा नेताओं का एक देन है। तो इसको विचार करना होगा, नहीं तो हर चीज लूट जाएगा, कुछ नहीं रहिएगा। पूर्व की सरकार जो रघुवर सरकार थी, रातों रात घर में जुड़वा जमीन को अपने लैंड बैंक में घुसा दी। क्या लगता है कि यहाँ सारा टोटल जमीन जो आप देख रहे हैं, जिस पेपर को आप देख के निकरा रहे हैं कि 2 एकड़ मेरा जमीन है, क्या सब रेती जमीन होगा? क्या रेती है? रेती जमीन में भी 10 गो झमेला होगा। वो जब गैर मजरूआ जमीन का बात करते हैं दादा, हम लोग पास इतना औकात नहीं, पुलिस से बड़ा बाबू सवाल कर सकते हैं, आएगा 2 लाठी मारेगा, जमीन छोड़ दीजिएगा। फिर वही पार्टी वाला आदमी आएगा आपके पास राजनीति करने के लिए। ऐसे से नेता रहेंगे तो क्या होगा हमारा भला? कितना सांसद था, एक बार वहां रोंगटा फैक्ट्री में बैठ जाता सांसद, मजाल था उसको सब काम करना पड़ता वहां, पर जान रहा है कि यहीं से हमको फंडिंग होता है हमारा चुनाव के। अब इतिहास देख लीजिएगा, पिछला चुनाव आने वाला है 2024 में, जयंत सिन्हा फ्रंट प्रभात खबर में पेज रहेगा, हर पर डे का 2 लाख रुपया देता है दादा। डेढ़ महीना उसको छपाने में क्या, 90 लाख रुपया फेंक दिया, हमारा वोट ले लिया। अरे उसके चमचे आएंगे गांव में, हमारा बूथ सबसे मजबूत। क्यों मजबूत रे भाई, क्या कर दिया है तो नेता? और हम ही यही युवा लड़का अपना खून पसीना करके एक दूसरे को काट के और उसको वोट दिलवाएंगे। किसको मारते हैं, किसको काटते हैं? अपना भाई को, बंधु को, माँ को, यही लोग बंगाली देते हैं। कभी विचार किए हैं? अरे पीढ़ी युवा है तो खून भी उसी तरह गर्म होना चाहिए। जब अपने हक अधिकार का बात आए तो काट के फेंक देंगे, पर अपना चीजों को छोड़ेंगे नहीं, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, जानेंगे मेरा जमीन चल गया, पर जीते जी मेरा जमीन को कोई लूट नहीं सकता। अरे थाना होगा, केस होगा, मुकदमा होगा, जेल किसके लिए बना है? जेल में आप भूखे नहीं मर जाइएगा, यहां तो अच्छा जेलवा रहेगा हम लोग के लिए। आज को हम लोग किसको वैल्यू देते हैं? दादा अजीत दाव ठीक बोल रहे, किसको वैल्यू देते हैं? जो सर बोलने ढंग नहीं है, 5 करोड़ का प्रॉपर्टी तो उसका जिंदाबाद कर दे रहे हैं, पर उसका विचार किया उसका जिंदाबाद कीजिए। विचार का पूजा होता है, नेतृत्व का पूजा होता है, ना कि उसका 5 करोड़ बिल्डिंग का पूजा होता है। फॉर्चुनर में आया तो बहुत बड़ा आदमी है, अरे यही ना कहीं हमारा ही पैसा से फॉर्चुनर चढ़ रहा है भाई, हमारे ही हिस्सेदारी का चीज था जो फॉर्चुनर अकेले दम भर के ले लिया और फॉर्चुनर चढ़ रहा है। आज आप साइकिल को मोटरसाइकिल को मेंटेन नहीं कर पाइएगा, बता दीजिए कितना मोटरसाइकिल में होगा जो बराबर फुल टैंकी तेल रखते होंगे। पर ऐसे ऐसे उन लोग के पास हम ही लोग का पैसा से वो पेट्रोल टंकी में महीना का पेमेंट करते हैं, जॉब खुल करा आ जाओ महीना भर में पेमेंट करें, किसके पैसे? नेता क्या सोर्स रहता है? आज देखिए कि नेता क्या है, हम ही लोग जिताते हैं हर जगह पे, ठेकेदारी से लेके अथी तक घुसे हुए, आम आदमी कहाँ जाएगा? ये इनको ठेकेदारी करना है, कहाँ जाएंगे? कल जाएंगे ये राजनीतिक शिकार हो जाएंगे। तो ये स्थिति हो रहा, समझे है तो हम युवा पीढ़ी के, महिला सबके, महिला समिति में बैठ के समाज बिहारी मां तो अकेले जीवन ना ले ले है मुरामांडू विधानसभा के, तोर गांव लगो तो महिला समझा कि कहा हो तो कहानी, हमने गांव के बच्चा का खाली बच्चों पैदा कर ला सो है जीते है। आज हम गिदरवा के छोइए पढ़वो ही है, इतना गो कल इतना गो तो कल इतना गो हमारे इतना गो जीतो तखन उकर तखन तोरे लगे लगतो साला वह दरुआर वह मीठो वजह से आज मेरा बच्चा को। जब अभी तो ये कहानी है दादा, अभी बीएड में अच्छा स्कूल में अच्छा कॉलेज में आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते जब तक मैं पैदवी है तब तो।
पैर भी हर आम आदमी का पैर भी वहां नहीं हो सकता है। किसका पैर भी होगा? जो उस गांव का चमचा होगा, उस पार्टी का चमचा होगा, उसका पैर भी होगा। उसका बच्चा दुख पड़ रहा है और हमारा बच्चा कुछ नहीं, सवाल नहीं है। हमारे पास वही सवाल होना चाहिए, टोकरी भर के होना चाहिए। अब जब तक सवाल नहीं कीजिएगा, अभी अम्बा प्रसाद तो हुआ ना जी, अम्बा प्रसाद तो निकाला गया ना, आज वही दो घंटा पुलिस को बंधक बना दिया। अब हम लोग यहाँ हल्ला तक नहीं कर सकते पुलिस के बदले। आज देखिए खूंटी में कहता है बिना ग्राम सभा को पूछे आप कैसे घुस गए मेरे गांव में। ठीक है क्राइमर था, नक्सली था, उग्रवादी था, पर पहले ग्राम सभा से पूछ के आना था। अजी हम लोग यहाँ कभी भी रगड़ते हुए आ जाता, उठा चिल्ला के चल देता है, क्योंकि हमारे पास पढ़ लिख लिए हैं पर वैसा शिक्षा को नहीं ले पाए जो हमारा अधिकार लड़ा है। आधा खून तो हम लोग शराब में सम्मिलित कर दिए हैं, जो खून का गर्मी होता है कहाँ से होगा भाई। इस तरह में हम लोग बदलाव कैसे कर सकते हैं, जहां हम लोग दारू मुर्गा मीट मांस में हम लोग बिक जाते हैं, हमारा वोट का यही अधिकार है। कितना यही हम लोग ये करते रहेंगे चलते रहेगा, फिर पता चलेगा मेरा बच्चा जवान होगी, वही बच्चा फिर आपके साथ पीना शुरू कर देगा। आज देखिए कहानी है कि ना, ये सच्चाई होगा। जगह बच्चा के तो देखिए आज बाप इधर जो भी पी लागल ये बगल में, तो बेटा ओकर बगल में हो सको, बेटा ओकर से ज्यादा टंच में हो, स्थिति का है समझे तो ना समझ भी। फिर हमने पीढ़ी खत्म, आज आंदोलन चल लगा लो, हमने सौभाग्य हो विनोद बिहारी जैसा भीष्म पितामह झारखंड के भीष्म पितामह ना देख सक लिए, पर जयराम मातो हमने को ओकर रूप में है, ये सौभाग्य हो हमने के आज ना लड़ ली, आज आंदोलन ना कर ली, आज चेंज ना हो तो 20 साल के बाद में छोड़ी तोरा लगो कि आंदोलन के नाम भी जानत तुमसे ना जान भी कहा जान। यहां से नदिया पार तो टाटा कंपनी हो, टाटा कंपनी है दा है ना, वर लोकल आदमी का तो 95% पर गिनती करनी हो जाके जगह लगो तो 95% यूपी बिहार छत्तीसगढ़ बंगाल के आदमी तो वहां। तो कर ये वजह कौन है, ये पहले कभी बारीकी से सोच ली कि कर वजह कौन, ओकर कौन घुस आई है वहां पे, यहाँ का स्थानीय नेता, यहाँ विधायक, यहाँ के सांसद विधायक जो 18 घंटा के 10 गो लड़क लगाना है, 10 गो बेच दे लो बिहार के आदमी, 1 लाख रुपये दे लो, 10 लाख ले लो, हर साल के कोटा में जो 10 से लगा लगा लो, तो ये धंधा चल लगा लो दादा। 50-50 लाख में JPSC सीट खरीद लगा लो, हमने को का धो करो 50 लाख में तो JPSC सीट खरीद लगे से हो कोई भी मातो के बहुत कम रहे मातो, और जो मातो को ओकरा जरूरत है ना उस पैसा दिए के, अगर अपने पैर भी इतना लंबा तो हमने पास वो चीज ना, हमने दम हो तो पढ़ाई एक दम हो और लड़ाई एक दम का लगो। फिर एक राउंड फिर कलवरी सब जगह खुलतो दादा, और यह स्थिति रह तो वह खत्म हो जाए, क्योंकि केंद्र को कोयला चाहिए। आप देखते होंगे कि जितना फील्ड में लगभग कलवरी बंद होने के कगार में, और लगभग बंद हो गया है अभी। देखिए झारखंड वेंटिलेटर में जी रहा है झारखंड कलवरी, जिसका नाम सुनते होंगे, एक दूसरे अगर साल चले तो चले ना तो वह बंद। 2023-24 ये चले तो चले ना तो वह बंद है, वजह जमीन। तो एक राउंड क्या लगता है कि केंद्र में 2024 में जब सरकार आएगी तो फोर्स के बदौलत जमीन को ले जाएगा। जमीन तो ऐसे लैंड बैंक में है, सवाल नहीं कर पाइएगा, जो पेपर है फेंक देगा, फाड़ के फेंक देगा, ये तो है ये नहीं है तो रिया। तो आपका आपका कौन वहां लड़ने वाला, जब आपका आदमी रहेगा विधानसभा में लड़ने वाला, जब आपके लिए वो बैठ जाएगा आके कैसे नहीं दीजिएगा, हम इसको पट्टा कटाए हैं 100 साल से, हम इसको पाल पोस के बड़ा किए हैं, तो आप हमको इसका मुआवजा नहीं दीजिएगा, नौकरी नहीं दीजिएगा, पर वैसा आदमी कौन है। जब ऐसे ऐसे बाहरी जनता पार्टी का आदमी रहता हूँ वहां पे तो क्या मतलब, केंद्र के साथ मिले लो वहां जो बोलिए सो हम तैयार है, डबल इंजन के सरकार बना देंगे। अभी आदिवासी मूलवासी आया और 24 में डबल इंजन के सरकार आएगा, फिर 29 में वही फिर आदिवासी मूलवासी सरकार आएगा, विकास के गंगा बहते रहेगा, पता चलेगा दामोदर नदी काला होते रह रहा है, लास्ट में तो नदियों आज ऐसा धंधा चला है जमीनों दरा कि नदी साइड वाला भी जमीन में अब घर बन रहा है, मतलब नदी को भी साफ सुथरा कर दिया जा रहा है। तो स्थिति
तो एक लिए हमने लड़े है तो बोले है तो उन नेताओं को बैकवर्ड करे है तो सीधा नहीं मेरा काम घुसेगा, तब उसको एहसास होगा कि हम का गलत काम किए। दादा एक समय जो पैसा कमाने में लोग टाइम लगाता था, एक समय इज्जत बनाने में भी टाइम बनाता है। यदि वही इज्जत लोग को तोड़ दिया जाएगा तो लोग शर्म से नहीं आ पाएगा गाँव गाँव में, नजरे नहीं मिला पाएगा। तो कौन किया है, कौन लाता है हमारे गाँव में, कौन नेता लाता है? हम नहीं लाते हैं किसी नेता को, चलिए जिंदाबाद करवाएंगे गाँव में। हमारे कहीं ना कहीं बाप दादा चाचा का ही गलती रहता है। इसलिए तो सभी लोगों से सभी आग्रह है, दादा हैं, चाचा हैं और भी बड़े पापा टाइप में भी हैं, तो उन लोग से आग्रह है कि आप लोग महिलाओं सबको भी अपने घर से जागरूक कीजिए। आज हम लोग तो 7 बार बेबी मातों को खोल खोल के देखते रहते हैं, पर अपन घर का लड़की को बच्चा को बेबी मातो नहीं बनाना चाहते। पूजा मातो भाषण बड़ा अच्छा लगता है, चौक चौराहा हम भी सुन लेते हैं, पर अपना घर के बेटी को बहन को पुतों को नहीं पूजा मातो बनाना चाहते हैं। बहुत ककरो माँ और बहन है, उसके घर वाले इजाजत दिए आजाद दिए तभी तो वो जाके एक मंच में खड़ा है। क्या दादा गलत बात होगा? आज इतना बड़ा गांव हो, कसमों का दिन 700-800 जनसंख्या तो आराम खाली आरा बोल लगे यहाँ तो देख एक महिला ना एक का। हम लोग वही गले सड़े नेताओं को सुनना चाहते हैं जिसके पास आइडियोलॉजी नहीं, जिसके पास एक अच्छा नेतृत्व नहीं, अच्छा विचार नहीं है, वही लोग हम लोग सुनना चाहते हैं। हम लोग को मन में वो बस गया है कि आएगा, वही बात है, आएंगे नेताजी माला पहनाएंगे और इधर व्यवस्था टाइट रहेगा, वहां छूटेंगे हम लोग इधर आंदोलन करेंगे। वही चीज है दादा, हम सबके पास सब कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, मांस खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बहुत लोग शराब पीते हैं, सब अपने पैसा से करते हैं। 365 दिन का जीमा लिया है, 5 साल का कोई भी नेता जीमा ले लेगा कि हम 365 दिन तुमको 5 साल में पूरा खिलाते पिलाते रहेंगे जब तक हम विधायक में रहेंगे, तो कोई नहीं, एक ही दिन नहीं देता है, ज्यादा 1000 रुपये देता है। पर कभी लगता है कि उससे चक्कर में हम जब जाते हैं तो 10,000 रुपया हमसे वसूल करता है, 1,00,000 रुपया वसूल कर लेता है। तो ऐसा स्थिति रहा दादा, हम लोग कैसे अपने बाल बच्चों को फ्यूचर बना पाएंगे? आज मेदांता जैसा कंपनी, मेदांता जैसा हॉस्पिटल है, मेडिकल जैसा हॉस्पिटल है, कहीं इतना रेट नहीं, वही जाइए तुरंत विधायक पैर भी करेगा तुरंत आधा रेट में अथी कर देता है मेडिकल भी, क्यों करता है? कोई भी कंपनी लॉस में रहता है जी, जब बिल को बढ़ा के बनाया तभी तो विधायक के पैर भी से वो आधा बिल को कम कर देता है, कभी समझे? जब अच्छा नेतृत्व ही रहेगा तो हमको पैर भी करने की जरूरत है क्या? एक फिक्स रहेगा भाई, मेडिकल बिल में जो है वो लीजिए आप, मनमाना बॉडी को लास्ट बॉडी को ऐसे ऐसे हॉस्पिटल रखे होते, ये किसका? सब हॉस्पिटल से कमीशन है, सब नेताओं को मंत्रियों को करोड़ों कमीशन मिलता है, तो क्यों हमारे लिए सोचेंगे? अनूप सिंह जैसा जैसा विधायक को 1 करोड़ डेली का इनकम है, साला मेरा 250 रुपया नहीं इनकम है डेली का और उसका 1 करोड़ इनकम है, कहां का आदमी था? यहां आया था साला छगन गोरखिया बनने करवाओ, मुंशी रहता था, आज वो विधायक बन के बैठा है। तो ये स्थिति है, वही ना हम बोले महेश सिंह यहां अरबपतिया बन जाता है, वैसे वैसे 100 लोगों को बना दिया होगा, क्या लगता है? पर हमारे लोग आज भी वही पैंट फटे पैंट में है, वही खेत अच्छे, वही छगरी और वही पटरू, उसका बाप दादा बूढ़ा हो गया, अब बेटा संभाल लिया। जब हमारे लोग अच्छा जगह में रहेंगे, हमारे लोग अच्छे स्थिति में रहेंगे, झारखंडी लोग खतियानी लोग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लोग बढ़ेंगे। फिर गैर मंजूरवा जमीन का बात करते हैं, सीओ देखिए मनमाने ढंग से पैसा ले रहा है, कोई भी जमीन को आप रजिस्ट्री कराने जाइए तुरंत 5 लाख 10 लाख, आप तो 1000 में बातें नहीं होने लगा, लाखों में बात हो रहा है। तो क्या है अच्छा नहीं तो? यदि वही विधायक जी वहां धरना देने, सीओ को हटाने का चाल ये विधायक जी रात भर में इसको हटवा देना है, वही विधायक जी हटवाते। पहले एकाध विधायक रहता था जी, टांगी लेक सिवा मातो जैसा आदमी रहता था, टांगी लेक घुस जाता था सीओ ऑफिस में, अभी कौन विधायक है जो घुस जाए, क्योंकि वहां से मोटा कमीशन आ रहा है, 5% कमीशन रख लीजिए। यदि एक मांडू प्रखंड ब्लॉक में 50 करोड़ का साल में वहां काम होता है, 5-25 करोड़ रुपये साल में चल गया उसके कमीशन, क्यों सीओ हम लोग को क्यों सुने? ऐसा विधायक को सुनना होगा,
कि निस्वार्थ भाव है, ऐसा नहीं विधायक का कमी है सो, वैसे जी लेगा खा लेगा, इतना अच्छा वो लोग का पेमेंट है, पर स्वार्थी है। कहीं पर 10 करोड़ के बंगला लेना है गुड़गांव में, दिल्ली में 5 करोड़ के लेना है, तो 15 करोड़ रुपये कहाँ से उन्नति कर। और हमें 1000-2000 भैया वह हो कि यदि इस बार 5 करोड़ 2019 में खर्चा कर ले, 2010 के बजट रख ले 10 करोड़, जो आदमी 10,000 दिए थे 20,000 दे देंगे, तो हमारा रोड कहाँ से बनेगा, कहाँ से हमको मेडिकल सुविधा मिलेगा, कहाँ से हमारा बच्चा का अच्छा शिक्षा मिलेगा, वजह हम ही लोग हैं कहीं ना कहीं। आज हम जयराम दा के विचार से हैं, हम भी किसी का वोटर थे जी, आसू है, बीजेपी है, जेएमएम है, कांग्रेस है, हम भी तो ककरो वोटर थे, यदि 2016 से वोट दे रहे हैं तो बस वोटे तो दे रहे थे, कोई ना कोई पार्टी अपने वोट दे रहे थे, ऐसा नहीं है दादा, हम भी नेतृत्व करता थे अपने गांव में, मेरे बोलने से सैकड़ों लड़का वोट कर देते थे, तो क्यों क्यों आज हम चेंज है, आइडियोलॉजी के साथ है, उनके विचार के साथ है, कि सही बात है, गहरी चिंतन कीजिएगा, घर में आकर बैठिएगा, अपना बच्चा फेस देखिएगा, तब पता चलेगा कि हम कहां चुप कर रहे हैं। आज देखिए 60-40 का बात है, यहाँ 3400 नौकरी दिया गया, शिक्षक नियुक्ति बहाल किया गया, 1400 बच्चे बाहर के हैं, आप देख सकते होंगे, इतना हम लोग फेसबुक चलाते हैं, वीडियो चलाते हैं, इतना ब्लॉग है, आप देख सकते हैं, वो लोगों को शर्म आता है, हम बोलने पे शर्म आता है, हम यूपी का आदमी है, क्यों ऐसा वजह का है, सुना लानता हूँ जी, बोले भी शर्म लगो, हम यूपी का आदमी बोल रहे हैं, सर हो सके कुछ कर दे, कर्नाटक के आदमी यहाँ रामगढ़ जिला में टीचर संस्कृत टीचर बन के आ रहे हैं, तो इस तरह बांटा जाएगा, पंचायत सचिव सचिव का बांटा गया 2500 या 2500 कुछ पद बांटा गया, मैं भी उसी तरह बोलते हैं 60-40, तो कहाँ की पता है कैसे होता है, 50-50 लाख 60 लाख में एक आध नौकरियां बांटता, एक आध विधायक के हाथ में 10-10 को कोटा में आया तो 10-10 करोड़ रुपये कमा बैठ गए, झारखंड जाए जैसे जाए, उसको दारू पीने से मतलब है, 2-1 का मसाला मतलब खेनी रगड़ने से मतलब, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कब तक चलेगा, कुछ लड़के हैं आदि, देखिए दादा इस सच्चाई है, कड़वा सत है, झारखंड को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ जो दिया है तो आदिवासी का हाथ है, सच्चाई है, उन लोगों का शिक्षा दर आज भी, आज यदि शिक्षा दर में झारखंड पीछे है ना, तो वही लोग का वजह शिक्षा दर हम लोग पीछे है, रहा बात कुर्मियों का, कुर्मी अपना जगह और अथी में पढ़ाई में बहुत आगे है, और उसको भैया वही चीज बोले जो सर बोल के गए थे ना, यहाँ बीएड के प्रोफेसर वो बोल के गए ना, वजह वही है कि हम लोग को जगह नहीं, हम लोग के लिए सीटें नहीं बचता है, हम लोग लड़ेंगे किसके साथ, फाइट किस लिए करेंगे, नौकरियां रहते तबे ना हम फाइट करबे, नौकरियां रहते तो फाइट क्या कर साथ करबे, और जकर नौकरी हो ओकरा मतलब ना, स्टेशन है जी सबसे ज्यादा नौकरी यहाँ, ओकरा मतलब ना, कहीं पढ़ने लगा लो बड़का को गंजी पहन लो, ऐसा कैमरा ले लो, एक केटीएम ले लो, ना लो कराची दो 20 मिल जमीन बेच दे लो, 2-4 लाख रुपया हो गेलो, देख कैमराबाजी कर लगा लो, देख रील बना लगा लो, स्टंट कर लगा लो, तो यही हो जाओ, और नेता सब चाहता है कि तुम ऐसे ही कर रहो, तुम जहां पढ़ लिख लिया तो भाई हम लोग को तो राजनीति खत्म हो गया, सराय केला जाते होंगे इधर से, जब सराय केला जाइएगा वहां का घर द्वार देखते जाइएगा ना, झाड़ फूस के अभी और जैसे कभी कभी लगे लगता तो बिहार के कुछ पार्ट तो ये सब नहीं हो, तो ये स्थिति है, हमारा कारोबार उधर चलो तो हम ज्यादातर रहते जाते रहो, देखो ये उधर कि महिला जैसे चपा नाल से नहाए जाए तो ये साड़ी में पूरा है थे ऊपर, और दिन भर वैसे काम करे तो अपन खर्चिया ले, तो ऐसा स्थिति रह तो हमें कहा कर सकते बता, आज हमें महतो भाई सब भी यह रोड में चल जबरदस्ती, अरे भैया जीत करना हो तो बोल रहे कि पढ़े के लिए करके हमारा लिखा दे आईआईटी में, हमारा लिखा दे एमबीए करा, हमारा पीएचडी करा, हमने कौन चीज जीत करवा, हमारे ले दे वो अपाची ले दे 2 लाख 220 सीसी ले दे, एकड़ में हम जीत करवा ना, वो तो ऐसा हम अभी ऐसा ना होने लगा हमने क्षेत्र में कि अभी कैमरा के लिए भी पागल हो गया, कैमरा के लिए भी पागल हो गया,
ये स्थिति हो, युवा पीढ़ी के जगह पढ़ना चाहिए, जगह लिखना चाहिए, जगह लड़ाई करना चाहिए। अरे भैया वहां जितना तो नहीं फोर लाइन में जगह रोक ले लिया था, वहां इतना इतना बच्चा भी होते। और हम इन बाप सब चाचा सब ठर्रा मार ला गया, बहुत अथी हो गया। आज तो रखा लगो एक हम बार बार एक चर्चा सुनो, ये कारा कलोरी खुल तो आरा कर कलोरी खुल जय खुलता तो रखा लगो नौकरी देतो कुछ ना देतो देकर रहती जमीन आता ना का तो कितना डिसमिल है 50 डिसमिल पर तो 2 एकड़ है ये नहीं आया पूरा हो ये नहीं रहा रोकी तो तब जमीन पे छोड़ दे तो चारों तरफ से गड्ढा कर दे तो जमीन छोड़ दे तो ले अब न पानी मिलता हो खेती करने के लिए न वहां जाए के लिए जगह मिलता। तो ये स्थिति है, जब तू पढ़ा ना भी सही सवाल रहा तो सही नेतृत्व रहा तो हक अधिकार आज कोई ना कीमत होगा तो समझ सको। आज तो देख बोलो थी एक समय दादा ये एशिया सबसे बड़ा कारोबार कोयला कारोबार कुजू क्षेत्र है ना दादा सुनो अभी तो 30 करोड़ का डेली का यहाँ का लेन देन चलता था, 30 करोड़ का एशिया सबसे बड़ा कोयला मंडी था ये। पर के वो कोयला मंडी में तो नहीं बैठो वाला बता चला, आज भी ओकरी को ऑफिस घुस भी तो आंख चंदिया जी तो इतना लाइट लगा के रख लेते और सब रहे वाला हाँ बा सुना बा का बा कैसन बा रेलीगढ़ का बा कहते कोयला बा यह चले तो सुनकर आंख कान से जला अथी लगने लगता है चला। ओ रे कौन हम इन जगह में ये जहाँ सोना हो साला जहाँ लेटरिन कर दो ये मैं वहाँ सोना निकल लग रहा हम इन साला कहाँ ही। आज देख दादा हम इन एक एक खांची जो दिन जलावे के लिए लेते आओ हैं और जो दिन प्रशासन देख ले लो तो घूम जनता मार दो तो अब सोच की टरकुक टरकुक के यहाँ काला कारोबार चलो के को आदमी है जहाँ तो बोलो है तो ये स्थिति हो समझ और हमें जाग ठीक है ना हम कुछ करे पार अपन जीवन में। मेरा बेटा तो बोलेगा मेरे बेटी तो बोलेगी कि मेरा बाप लड़ते लड़ते मरा था गर्भ से कहेगी, ऐसा नहीं कि जिसका बाप मर जाएगा तो उसका बाल बच्चा नहीं बढ़ेगा, बढ़बे करेगा क्या पहले उतना 80,000 आदमी दिया तो लोग वंश नहीं है जी अभी तक है ना अभी तक। तो आज नहीं लड़िएगा तो कल के नेट में सब समाप्त है, भुला जाइए फिर आपके लिए कुछ है सो बचा हुआ, ऐसे ऐसे नेता सब आएंगे सब लूट के ले जाएंगे। भाषा हो गए देख हमने खोरठा भाषा पढ़ने के लिए एक जून टीचर ना सरकार पास पर मैथिली भाषा पढ़ने के लिए भोजपुरी भाषा पढ़ने के लिए स्थानीय भाषा के सब लैंग्वेज दे देना लगा इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश के यहाँ स्थानीय भाषा लैंग्वेज दिया जाए लगा वो कहते तो वैकेंसी लानते दादा भोजपुरी के लिए वैकेंसी लानता है मैथिली के लिए लानता है टीचर लानता है नौकर लिए कहाँ से लानता है पेमेंट का पैसा देता है हमने एक पैसा से नहीं देता है। जब मैथिली आदमी या घुसतो 18 विश्वास न करो विनोद बिहारी महतो कॉलेज में धनबाद में अभियो भी 18 मैथिली वहां बच्चा है भोजपुरी और मैथिली 50 करोड़ रुपये सरकार खर्चा करता है। अब सोचिए कि हम लोग का यहाँ खोरछा भाषा पढ़ने के लिए हमारे बच्चों के पास टीचर नहीं। अब देख लीजिए यहाँ से आप देख लीजिएगा जितना कॉलेज है कॉलेज में कम से कम झारखंडी आपको पियून से लेके प्रोफेसर तक मिलेगी कम से कम में जितना आपका आंकड़ा बोलता है पांचों से कम हो। तो क्यों यदि आप अच्छा कंपेटिटिव भी हैं तो भी आपको वो सिलेक्शन नहीं होने देगा क्योंकि उसका एक झुंड है उसका एक यूनिटी है झुंड ही आपको घुसने नहीं देगा। और यदि आपसे कम वाला नॉलेज वाला आदमी है यदि वो जगह कहाँ है उसका आदमी वहां है तो तुरंत उसको कहेगा नहीं नहीं है जगह है। तो ऐसे लोगों को ले जाना जरूरी है दादा लड़ना जरूरी है और अपना अपना जो महिला समिति है गांव को उसको भी जागरूक कीजिए। सभी दादा सबसे आग्रह रहता हूँ सभी जितना भी आ तो ज्यादा एज थोड़े नहीं लग रहा है 27-28 साल हो जाएगा मतलब हमने जैसा लड़का हमरो 28 साल हो जाएगा मतलब हमारे जैसा लड़का तो हमीर के क्षमता ना है का उतना है ना खाली हमीर बस संकुचित में रहो करे पारवा कि ना पारवा। इसलिए हमीर बढ़ आगे बढ़ सब सब जगह दौरा कर पूरा विधानसभा जगह
कि देख अभी कैसा आदमी चाहिए, कैसा सांसद चाहिए। हमने रूरल एरिया में हुए सबसे ज्यादा, हमने रूरल एरिया पढ़ो ऐसा ना कि हमने बाहरी आदमी यहाँ ज्यादातर हावी थे वोट में से। और जब 20 लाख 50 लाख के फैक्ट्रीज कमीशन हो, ऐसे वैसे नेताओं को दूर कीजिए।